नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में KUMAR कुमार को JTLZ क्यों लिखा जाता है, तो SANKAR संकार को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आइए पहला जो वर्ड दिया हुआ है उस उन दोनों में संबंध पता करते हैं कैसे है। देखिए यहाँ पे पहला वर्ड के दिया हुआ है, तो के को सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाता है, जे लिखा जाता है। तो के जो है अल्फाबेट में बाद में आता है, उससे पहले आता है जे, तो उसके पहले वाले शब्द वर्ड को लिया गया है। तो उसी प्रकार हम भी यहाँ पर एस के पहले वाला वर्ड जो है वो क्या आएगा उसको लेंगे। वैसे यहाँ पे देखिए दूसरा जो है यू दिया हुआ है, यू के पहले क्या आता है, टी आता है। उसके बाद है एम, एम के पहले आता है एल, ए दिया हुआ है ए के पहले आता है जेड, और आर दिया हुआ है आर के पहले आता है क्यू। तो आइए हम संकार को जानते हैं कैसे लिखेंगे। एस के पहले क्या आता है, आर आता है, ए के पहले जेड आएगा, फिर एन के पहले एम आएगा, के पहले जे आएगा, ए के पहले जेड आएगा और आर के पहले क्यू आएगा। तो ये जो हम यहाँ पे पता लगाए हैं वो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, आर जेड एम जे जेड क्यू। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। धन्यवाद।